तो आज है एक नया संडे का दिन, आप देख रहे हैं एक नया व्लॉग, और हम आ चुके हैं राजवाड़ा पे एक नई नाश्ते की दुकान पे। ये दुकान नहीं है, ये दुकान तो नहीं है, दुकान बहुत पुरानी है और दुकान का नाम है सुंदरम समोसा कॉर्नर। इसका नाम समोसा कॉर्नर है पर यहाँ का पोहा बहुत फेमस है और यहाँ का एक बढ़िया स्पेशल है चिकू भाई, कौन सा था वो समोसा? शाही समोसा। शाही समोसा, तो शाही समोसा और पोहा जल्दी से टेस्ट करते हैं। एड्रेस भी एक बार आपको बता देता हूँ, तो ये है मेन राजवाड़ा चौक, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाजू में है महालक्ष्मी मंदिर और आपको सामने दिख जाएगा सुंदरम समोसा कॉर्नर। बिल्कुल। यार ये जो आप पोहा देख सकते हैं ना यहाँ पे, ये पोहे की चिकू का प्राइस है वैसे 18 रुपये लिखा है यहाँ पे रेट लिस्ट, तो मतलब प्राइस मार्केट वाइज देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है, बट टेस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि टेस्ट भी उतना अच्छा रहे। और यहाँ पे जो क्वांटिटी में पोहा बनता है ना वो आप देख सकते हो, संडे का दिन है और क्वांटिटी है तो भैया मज़ा तो आता होगा यार यहाँ पे पोहा खाने में। अपन भी जल्दी से एक प्लेट लगवाते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कैसा है पोहा। तो यार यहाँ गर्मा गर्म एकदम बढ़िया बढ़िया जलेबियाँ निकल रही है, और जलेबी का मैंने सुना है, मतलब जब मैं घर से निकला था पापा ने भी बताया था और चिकू भैया ने भी बताया था कि यार यहाँ की जलेबियाँ जो है ना वो एकदम स्पेशल रहती है, मतलब पोहा और समोसे को जो कॉम्प्लीमेंट कर सकता है साथ में वो है जलेबी। तो एक प्लेट पोहा, एक प्लेट समोसा और उसके साथ जलेबी ज़रूर लेंगे। ये क्या करा आपने, ये क्या करा? नहीं तो उसको दबाया। अच्छा अच्छा, मतलब हर आलू बड़े को ऐसे ही करते हो? अब जैसा मिक्को ने बोला था कि सुंदरम पे आए हैं तो यहाँ का पोहा खाना बनता है, पोहे की प्राइस है 18 रुपये। 18 रुपये के हिसाब से मेरे को क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बस एक चीज़ की कमी लगी मुझे यहाँ पर कि इसके अंदर प्याज नहीं डालते हैं। तो जल्दी से इसको टेस्ट करके देखते हैं, और नवरात्रि में वैसे ज़्यादा प्याज और लहसुन वसन नहीं खाया जाता है, पर तो भी टेस्ट करके देखते हैं एक बार। नवरात्रि में एक चीज़ यहाँ दिख रही है कि आज भीड़ अच्छी है, आज महालक्ष्मी मंदिर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर नाश्ते में एकदम चकाचक माहौल बना हुआ है। यहाँ पर जो क्राउड है ना, मेरे को एक क्राउड का रीज़न मैं समझ चुका हूँ कि ये पोहे की वजह से यहाँ पर क्राउड है। पोहे के अंदर प्याज नहीं है, ना बनते टाइम डाला हुआ है, ना ऊपर से डाला है, पर टेस्ट बहुत अच्छा है पोहे का। सिंपल पोहा है, मेरे को इसके अंदर मीठापन नहीं है पोहे के अंदर, एक अच्छा बताऊँगा, पर ये पोहा लग बहुत अच्छा रहा है। इसके अंदर धनिया का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, और जो बघार दी हुई है ना, बघार का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है इसके अंदर, हर चीज़ का फ्लेवर आ रहा है। हल्का सा ज़्यादा फ्लेवर आ रहा है हल्दी का। अगर आ रहे हो सुंदरम पे तो एक बार पोहा खाना बनता है, यहाँ का शाही समोसा ही बहुत बढ़िया है, अंकल से ही बात करेंगे और वो भी टेस्ट करके देखेंगे। चलिए तो अभी मैंने लिया है यहाँ का भैया एक खट्टा मीठा समोसा और एक जलेबी लिए। समोसे की प्राइस 18 रुपये और जलेबी जो है वो 400-500 रुपये किलो के आसपास कुछ है। अच्छा, जो शाही समोसे की कहानी थी वो हमको लगा कि हाँ मिल जाएगा आज, बट अभी जब हम आए तो इन्होंने बोल दिया शाही समोसा अवेलेबल ही नहीं है। और शाही समोसा क्या होता है वो पूछा तो पता चला कि मीठा समोसा होता है, उसके अंदर मावा, खोबरा और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती हैं। और चलो ठीक है, नहीं है तो सादा खट्टा मीठा समोसा खा लेते हैं।
बढ़िया लाल चटनी के साथ है, इसको टेस्ट कर लेते कैसा है। चिको थोड़ा सा इधर आओ, इसमें ना बहुत ज़्यादा मेरे को वो दिख रही है, क्या बोलते हैं धनिया की जो वो रहते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो टेस्ट कर लेते कैसा है। एक तरीके से अगर मैं बताऊँ ना तो शाही समोसा जो है वो मीठा समोसा बोला जा सकता है। पहली चीज़ बताऊँ खट्टा मीठा समोसा है, दूसरी चीज़ बताऊँ समोसे के अंदर ये भी है, मनुक्का भी है। चिको भैया साइड में एक देखो, आपको दिख जाएगा मनुक्का। मनुक्का नहीं बोलते, उसको बोलते किशमिश। किशमिश वही सेम। माई आई अपोलोजीज सबसे पर्सनली। तो ये जो समोसा है भैया, ये खट्टा मीठा समोसा है, टेस्ट अच्छा है, एक अच्छा वो हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है इंदौर में आपको अगर नाश्ता करने आना हो तो। भैया सुंदर में समोसा कॉर्नर पे आओ, पोहा खाओ, समोसा खाओ, थोड़ी सी जलेबी टेस्ट करके देख लेता हूँ, कैसे बताता हूँ कैसा लगा ओवरऑल टेस्ट। ठीक है खा ले। खा लूँ? खा ले जलेबी, अभी नहीं खा रहा। हाय, क्या हाल चाल? थैंक यू सो मच, कैसे लगते हैं वीडियोस भैया? अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे को जब मैं ऐसे जलेबी खाया था ना, तो चिकू भैया वो कैटरीना कैफ और स्लाइस वाला जो ऐड है ना, वैसा वाला कुछ शॉट ले लेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं कुछ क्या। जलेबी की अगर मैं बात करूँ तो जलेबी बेसिक जलेबी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बोल सकती घी की केसर की जलेबी है, कुछ बेसिक जलेबी जो आपको इंदौर के हर कोने पर मिल जाती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, कभी आप राजवाड़ा पे हो, अगर आपको एक अच्छा ऑप्शन चाहिए नया, तो आप आओ सुंदरम पे, आपको समोसा मिलेगा, आपको कचौरी मिलेगी, आपको पोहा मिलेगा, जलेबी में सब कुछ मिलेगा। 50 रुपये कम से कम लेके आना, क्योंकि 18-18 रुपये के हिसाब से आपको 2-3 चीज़ें लोगे तो इतना तो लग ही जाएगा। ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ अच्छा टेस्ट है। और शिकु आपको कैसा लगा ये भी बता दो एक बार, मैं कितना बोलूँगा। मेरे को ओवरऑल जैसे तुमने पूछा तो मैं जिस चीज़ के लिए आया था ना पोहे के लिए, तो मुझे पोहे खा के बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया पोहे खा के। ऐसा लगा कि इंदौर का सुबह सुबह का जो नाश्ता है ना वो यहाँ पर मुझे मिल चुका है, और एक बार जलेबी ज़रूर मैं खाना चाहूँगा। चाशनी में एकदम डूबी हुई एकदम मीठी रसीली जलेबी। अगर आ रहे हो सुंदरम समोसा कॉर्नर पे तो यहाँ पर पोहे खाना, जलेबी खाना और समोसा खाना बनता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। हरी चटनी कहाँ गई? हरी चटनी नहीं मिलती भैया यहाँ पे। यार एक ना भारी सा ब्लंडर हो गया था अभी, क्या हुआ कि जो समोसा था जब वो खाया तो थोड़ा सा लगा आलू जैसा है, पर जब थोड़ा सा उसको कुरेद के खाया तो पता चला कि वो आलू नहीं है, क्योंकि एक जगह केले का समोसा खा रखा था इसलिए पता चला कि यहाँ पे केले का समोसा मिलता है, और जो आलू वड़ा है वो आलू वड़ा केले का होता है। क्या बात है? तो वो केला वड़ा हो जाएगा, आलू वड़ा तो होगा नहीं, वो खैर जो भी उसका नाम पता करते हैं। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ टेस्ट बहुत अच्छा है यहाँ का, अगर आपका अपना संडे प्लान कर रहे हो तो यहाँ आके आलू का समोसा, केले का आलू वड़ा जो भी है वो खाना जरूर।